चैप्टर 3 क्लास 8। आज हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ फाइबर्स देखते हैं। नेचुरल फाइबर, फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल कॉटन, वूल, सिल्क, जूट एक्सेट्रा। देखिए, ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो कॉटन, वूल, सिल्क और जूट वगैरह है। और जो दूसरी तरह का हमारा फाइबर होता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। फाइबर्स विच आर मेड मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। देखिए, जो फाइबर मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और नायलॉन और एक्रिलिक इसके जो है एग्जाम्पल है। अ सिंथेटिक फाइबर इज मेड ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो केमिकल सब्सटेंसेस के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। द यूनिट इन ए फाइबर आर जॉइंट टुगेदर लाइक ए चेन। और उन यूनिट को जो है एक चेन की तरह जो है एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, और उससे जो है फाइबर तैयार होता है और उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। पेट्रोकेमिकल, ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फाइबर आर मेड यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम पेट्रोलियम। तकरीबन सारे के सारे जो सिंथेटिक फाइबर है उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि जिससे वो बना है वो मटेरियल जो है वो पेट्रोलियम से लिया जाता है। सच रॉ मटेरियल विच कम फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। और ऐसा मटेरियल जो हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं उसको हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पॉलीमर के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर अ चेन ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड अ पॉलीमर। हमने देखा था कि अभी पीछे की जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो चेन से मिलकर बना होता है, तो उस चेन को जो है जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होता है, पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस होता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। द इंडिविजुअल यूनिट इन ए पॉलीमर इज कॉल्ड द मोनोमर। और जो आपका पॉलीमर में इंडिविजुअल यूनिट जिससे वो चेन बनी है उसे हम मोनोमर कहते हैं। दस अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी मोनोमर्स। इस तरह जो है एक पॉलीमर जो है बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। अ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलीमर्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर सब के सब क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। इवन कॉटन इज ए पॉलीमर। यहाँ तक कि जो कॉटन है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, वो भी एक पॉलीमर है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में जानते हैं कितनी तरह का होता है। सबसे पहले हम रेयन के बारे में जानते हैं। रेयन वॉज डिस्कवर्ड टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19वीं सेंचुरी के एंड में जो डिस्कवर्ड किया गया था, खोजा गया था। इट वॉज मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। और ये जो है इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो लकड़ी का आपका वुड जो होता है उसके जो पल्प होते हैं उससे इसको ट्रीटमेंट केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है, और ये पहला सिंथेटिक फाइबर था। रेयन इज सिमिलर टू सिल्क बट इट इज चीपर देन द सिल्क। रेयन जो है सिल्क की तरह होता है, सिल्क हमारा जो नेचुरल फाइबर है उसी की तरह होता है, लेकिन सिल्क जो कॉस्टली होता है और रेयन जो है उससे चीपर होता है, सस्ता होता है। हेंस रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड पुअर मैन सिल्क, और दैट इज द रीजन कि इसको जो है पुअर मैन सिल्क भी कहा जाता है। रेयन कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। रेयन को आप अलग अलग कलर में डाई कर सकते हो। रेयन इज यूजली मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट एंड ड्रेस मटेरियल। और रेयन को जो है जो हमारा नेचुरल फाइबर है कॉटन, उसके साथ मिक्सअप करके जो है बेडशीट और ड्रेस मटेरियल वगैरह जो है तैयार की जाती है। नायलॉन, नायलॉन वॉज मेड इन 1931। नायलॉन जो है 1931 में बनाया गया था। द टर्म नायलॉन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लेटर ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। और ये नायलॉन जो है वर्ड जो जिससे नायलॉन बना है, ये जो पहला नाई है वो न्यूयॉर्क से लिया गया, और जो लास्ट का लॉन है वो लंदन से लिया गया है। नो इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज वॉज यूज इन मेकिंग नायलॉन। नायलॉन को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं उसके अंदर प्लांट और एनिमल का कोई भी सोर्सेज नहीं होता है। एस इट वॉज मेड ऑफ फ्रॉम कॉल, क्योंकि ये कोल, वाटर और एयर से बनाया जाता है। हेंस नायलॉन इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। इसलिए जो है नायलॉन को पहला ट्रूली सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक। नायलॉन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, लाइट मतलब हल्का होता है, इलास्टिक लचीलापन इसके अंदर होता है।
इट इज़ लस्टीरियस एंड ईजी टू वॉश, ये बहुत ही चमकदार होता है, शाइनी होता है और बहुत ईजीली होता है वॉश करने के लिए। नायलॉन इज यूज मैनी आर्टिकल, और नायलॉन से बहुत सारे आर्टिकल बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक अ सॉक्स, बैग, टूथब्रश, रोप, स्नैकर्स, पैराशूट एक्सेट्रा। फ्रॉम द सेम थिकनेस अ नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। अगर आप इसके नायलॉन का एक थिक वायर ले, नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है जितना कि स्टील का होता है सेम थिकनेस में। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। पॉलिएस्टर जो है, जो हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है एस्टर, उसको रिपीट करके जो है बनाया जाता है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर विच इज यूज इन ड्रेस मटेरियल। टेरिलीन जो सबसे पॉपुलर पॉलिएस्टर है जो कि ड्रेस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट पैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर आइटम्स। पॉलिएस्टर फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजिली एंड आर इजी टू वॉश। जो पॉलिएस्टर फाइबर होता है उसमें आसानी से रिंकल होती है, जिसको हम जब हम कोई चीज़ निचोड़ते हैं तो उसके कारण जो है, जिसको हम कहते हैं कि इकट्ठा हो जाता है, रिंकल पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ इसमें पॉलिएस्टर के अंदर नहीं होती और आप इसको ईजिली जो वॉश कर सकते हैं। अक्रेलिक, अक्रेलिक रिजम्बल वूल एंड हैंस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक वूल। देखिए, जो एक्रेलिक होता है वो एक वूल की तरह होता है, उसको रिप्रेजेंट रिजम्बल उसी की तरह होता है, एंड हैंस इज ऑल्सो, इसलिए इसको हम सिंथेटिक वूल भी कहते हैं। इट इज़ चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन वूल। ये जो हमारी वूल होती है उससे जो है ज़्यादा सस्ता भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, एंड इज इजियर टू वॉश एंड मेंटेन। आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, देखिए इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या विशेषता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत ही सस्ते होते हैं। दे आर रेडली अवेलेबल, और ये अवेलेबल इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। दे कैन बी इजीली वॉश्ड, आसानी से इनको धोया जा सकता है। दे आर इजीली मेंटेन, और इनको आसानी से जो है मेंटेन किया जा सकता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक टू इज अ पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, बट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक। लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक में अलग अलग होती है। इन सम प्लास्टिक द इंडिविजुअल यूनिट आर लिंक्ड इन अ लीनियर फैशन। कुछ एक जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसमें जो लिंक लीनियर होती है, लीनियर मतलब एक लाइन के रूप में जो है, लीनियर फैशन के रूप में इसको जो है लिंक्ड होती है। इन सम अदर प्लास्टिक द इंडिविजुअल यूनिट आर क्रॉस लिंक्ड, और कईयों में जो है ये क्रॉस लिंक में होती है। टाइप ऑफ प्लास्टिक, देखिए सबसे पहले हम प्लास्टिक का जो फर्स्ट टाइप है उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। सम प्लास्टिक इजीली गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड कैन बी इजीली बेंट एंड रीशेप्ड बाय हीटिंग। देखो, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको जब हम हीट करते हैं तो उसको आसानी से हम मोड़ सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं हीट करने से, जैसे भी आप शेप देना चाहें। दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, इस तरह के प्लास्टिक को जो हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन और पीवीसी का जो प्लास्टिक है वो इसका एक एग्जाम्पल है। थर्मोप्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग कॉम, टॉयज, बकेट्स, मग्स एक्सेट्रा। थर्मोप्लास्टिक इन आइटम को बनाने के लिए यूज किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सम प्लास्टिक डू नॉट गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रिमोल्डेड इन टू अ न्यू शेप। देखिए, कुछ प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिनको हम हीट करने के बाद दोबारा से उनको जो रिमोल्डेड नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको हम नई शेप दे सकते हैं। जो हमने शेप उनको दे दी है वो ऐसे ही रहेगा। सच प्लास्टिक आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस तरह के प्लास्टिक को जो हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बैकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बैकलाइट और मेलामाइन जो है इस तरह के थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल है। बैकलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच एंड स्विच बोर्ड बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ये बैकलाइट होता है, आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके इलेक्ट्रिक जो स्विच होते हैं, तो ये जो स्विच होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही पुअर कंडक्टर है, ये अपने में से ना तो हीट को पास करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। मेलामाइन इज रेजिस्टेंट टू फायर एंड इज हैंस यूज टू मेकिंग यूटेंसिल्स। और जो आपका मेलामाइन होता है ये फायर का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको जो है
बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। रीजन फॉर पॉपुलर ऑफ प्लास्टिक, अब आजकल आपने देखो कि ज़्यादातर मेटल जो हमारे घरों में होता हो प्लास्टिक का बना होता है, उसका क्या रीजन है? तो देखिए, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, अनलाइक आयरन प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म क्रस्ट। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा जो आयरन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आके जो है रिएक्ट करता है और उसके कारण उसके ऊपर रस्ट चढ़ जाती है और फिर वो ख़राब हो जाता है। ड्यू टू दिस प्लास्टिक हैज़ रिप्लेस्ड आयरन फॉर मैनी आर्टिकल, लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसमें ऐसा नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करता और इसके कारण जो प्लास्टिक जो है बहुत, जहाँ पर हम पहले आयरन को यूज़ करते थे अब प्लास्टिक के आर्टिकल को यूज़ करते हैं। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद मैनी केमिकल, प्लास्टिक जो बहुत सारे केमिकल के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। एंड सो प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज फॉर कीपिंग मैनी मटेरियल एंड केमिकल, और इसका यही रीजन है कि बहुत सारे मटेरियल के लिए और केमिकल के लिए जो हम जो है प्लास्टिक कंटेनर को यूज करते हैं। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, देखिए जो प्लास्टिक वो बहुत हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल मतलब लंबा चलने वाला भी होता है। प्लास्टिक इज लाइट वेट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक चेयर हैव रिप्लेस्ड वुडन चेयर इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड। देखिए, ज़्यादातर घरों में पहले वुडन की चेयर होती थी, लेकिन अब जो है प्लास्टिक की चेयर को ज़्यादातर यूज किया जाता है। वुडन क्रेट्स हैव बीन रिप्लेस्ड प्लास्टिक क्रेट्स, देखिए वुडन क्लेट पहले जो वुडन क्लेट को जो है वो प्लास्टिक क्रेट्स ने जो रिप्लेस कर दिया है फॉर कीपिंग मिल्क एंड कोल्ड ड्रिंक, जिसके अंदर हम मिल्क या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं। मोस्ट ऑफ द वेयर हाउसेज नाउ यूज प्लास्टिक पैलेट्स फॉर कीपिंग गुड्स, और ज़्यादातर घरों में जो है जो घर की आइटम्स होती हैं उनको रखने के लिए प्लास्टिक को यूज किया जाता है। प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखिए प्लास्टिक की सबसे अच्छी क्वालिटी होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो है पुअर कंडक्टर है, अपने में से जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाना जाता है। प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग स्विच फॉर मेनी कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उसमें जो ज़्यादातर जो है प्लास्टिक को यूज किया जाता है। हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज सच हैंडल डज नॉट हीट अप, और दैट इज़ द रीजन कि हमारे बहुत सारे यूटेंसिल्स जैसे होते हैं जहाँ जिनके लिए हैंडल में जो है प्लास्टिक को यूज किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है हीट का पुअर कंडक्टर है और एक गर्म नहीं होता, अपने में से हीट को नहीं जाने देता है। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, देखिए जो प्लास्टिक और इसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या फ़र्क है, देखिए आप देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल विच कैन बी डिकम्पोजिज बाय माइक्रो माइक्रोब्स इज कॉल्ड अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो माइक्रोब के द्वारा डिकम्पोजिज किया जाता है। डिकम्पोजिज का मतलब कि स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन करके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज कर लिया जाता है, इसको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जस्ट लाइक जूट, कॉटन, पेपर, लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका अपोजिट, ऐसा मटेरियल अ मटेरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोजिज बाय द माइक्रोब इज कॉल्ड ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और ऐसा मटेरियल जो माइक्रोब्स के द्वारा, जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जो डिकम्पोजिज नहीं किया जा सकता है, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है आपका प्लास्टिक, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। द नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर ऑफ प्लास्टिक पोजेज अ बिग प्रॉब्लम, देखिए जो ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का जो प्लास्टिक होता है, इसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। प्लास्टिक हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू टू मैनी ऑफ इनहर्स बेनिफिट, देखिए प्लास्टिक जो बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमें बेनिफिट मिल जाते हैं, बट पॉपुलरिटी ऑफ प्लास्टिक इज प्रूविंग टू बी अ कर्स फॉर द एनवायरमेंट, लेकिन यह जो पॉपुलरिटी है प्लास्टिक की जो पॉपुलरिटी, इसके कारण जो बहुत ज़्यादा यूज होने लगा और इसके कारण जो है ये एनवायरनमेंट के लिए एक तरह से कर्स बन गया, मतलब एक तरह से श्राप बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड ऑल अराउंड अस, प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे चारों तरफ जो हर जगह आपको मिल जाएगा, इन द स्ट्रीट, ऑन द साइड वॉक, इन ड्रेन और गार्बेज डंपिंग साइट्स एक्सेट्रा, हर जगह आपको जो प्लास्टिक जो है बिखरा हुआ मिल जाएगा, इन ड्रेन, ऑन गार्बेज डंपिंग साइट एक्सेट्रा। दिस इज क्रिएटिंग अ बर्डन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन द अर्थ, इसके कारण क्या हो गया कि अर्थ के ऊपर जो प्लास्टिक वेस्ट को जो है कैसे ख़त्म किया जाए, इसका बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और डिकम्पोजर के द्वारा जो है इसको
छोटे छोटे पीसेस में यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इस वेस्ट को जो है एक वर्डन जो है एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए वर्डन हो गया और एनवायरनमेंट के लिए बिग प्रॉब्लम हो गई है। नॉसेंस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द एनवायरनमेंट। देखो प्लास्टिक जो प्लास्टिक के बैग है वो हमारे एनवायरनमेंट में जो है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बनाता है, इट चॉक्स ड्रेन। इसके कारण जो है ड्रेन वगैरह जो है आपकी जो नालियाँ वगैरह थी वो ब्लॉक हो जाती है। अ स्ट्रे एनिमल कैन डाई इट इज एक्सीडेंटली स्वेलिंग प्लास्टिक बैग। अगर जो स्ट्रे एनिमल होते, जो एनिमल भटकते रहते हैं, अगर वो इसको एक्सीडेंटली खा लेते हैं तो वो मर सकते हैं। हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक बैग, अब हमें ये देखना है कि हम इस प्लास्टिक की जो प्लास्टिक पॉपुलर है लेकिन इस प्रे जो इसके कारण जो एक प्रॉब्लम आ गई, जो नेचर के लिए अंदर प्रॉब्लम आ गई, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके जो कुछ स्टेप है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 3R। हमें जो है 3R के जो है 3R रूल कहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए और इसका मीनिंग है रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल। इनका कम से कम यूज़ किया जाए, ऐसे प्लास्टिक को यूज़ किया जाए जो कम से कम यूज हो, रिड्यूस कर दिया जाए, जिस ऐसे प्लास्टिक का यूज किया जाए जिनको हम रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। यूज़ रिसाइकलेबल प्लास्टिक और यूजिंग शॉपिंग बैग ऑन क्लॉथ और जूट। आप ऐसे प्लास्टिक को यूज़ कीजिए जो रिसाइकल हो सकता है और जो आप शॉपिंग वगैरह के लिए, उसके लिए आप क्लॉथ या फिर जूट के बैग को यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग ऑन द रोड और इन ड्रेन्स। हमें जो प्लास्टिक बैग्स को ना तो रोड पर फेंकना चाहिए और ना ही उनको नालियों में फेंकना चाहिए। रीयूज प्लास्टिक कंटेनर फॉर कीपिंग हाउस होल्ड आइटम, हमें घर के आइटम रखने के लिए ऐसे प्लास्टिक को यूज़ करना चाहिए जिसको हम रीयूज कर सकें। इंपॉर्टेंट नोट्स, अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए जहाँ से हम पूरे चैप्टर को ईजिली से जो है लर्न कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट, टाइप ऑफ फाइबर, हमने देखा था कि जो टाइप ऑफ फाइबर है दो तरह का था, वन इज नेचुरल फाइबर, अदर इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल थे कॉटन और वूल थे। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो मेन मेड होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसके जो हमने एग्जाम्पल देखे थे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। फिर हमने देखा था पेट्रोकेमिकल, ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फाइबर आर मेड यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम पेट्रोलियम। जितने भी सिंथेटिक फाइबर जो बना होता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, और इस तरह के मटेरियल को हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था पॉलीमर के बारे में। देखिए पॉलीमर क्या होती है, ए चेन ऑफ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड पॉलीमर। जो पॉलीमर होती है वो एक जो सब्सटेंसेस है जिससे जो हम जो हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है उसकी जो चेन होती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं, और पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी मोनोमर्स। और ये जो पॉलीमर की चेन होती है किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे मोनोमर से बनी होती है। मोनोमर इज ए इंडिविजुअल यूनिट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम मोनोमर कहते हैं। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वन इज रेयॉन, अदर नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। जो रेयॉन होता है वो पहला सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन 1931 में बनाया गया था, और जो पॉलिस्टर है वो डोंट डू नॉट रिंकल इजली, इसमें आसानी से रिंकल नहीं पड़ते हैं। एक्रिलिक सिंथेटिक, जिसको हम सिंथेटिक वूल भी कहते हैं। फिफ्थ, प्लास्टिक, प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, बट इट अरेंज ऑफ यूनिट इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक। हर प्लास्टिक का जो डिफरेंट टाइप का प्लास्टिक उसमें अलग अलग है, किसी में लीनियर फैशन है तो किसी में क्रॉस लिंक्ड है। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ प्लास्टिक, टाइप ऑफ प्लास्टिक दो तरह के थे, एक थर्मोप्लास्टिक था, एक आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है उसमें क्या कर सकते हैं, हम इजीली जो उसको हीट करने से जो है गेट डिफॉर्म्ड, उसको हम आसानी से कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसमें जब हम एक बार शेप दे देते हैं तो उसको हम इजीली जो है कोई शेप नहीं दे सकते हैं, डू नॉट गेट डिफॉर्म, उसको हम दोबारा से जो शेप नहीं दे सकते। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह हो गया।